नमस्कार, मैं साक्षी, एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं लोकसभा चुनाव की अभी तक की प्रमुख खबरें। संजय निरुपम ने कहा, देश के जितने भी राज्यपाल होते हैं वो सरकार के चमचे होते हैं। संजय निरुपम ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश के सभी राज्यपाल सरकार के चमचे होते हैं। पीएम मोदी और आडवाणी को लेकर यशवंत सिन्हा ने किया बड़ा दावा। गुजरात दंगे को लेकर ही बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 के गुजरात दंगों के बाद उस समय के सीएम नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करने का मन बना लिया था, लेकिन आडवाणी की वजह से उन्हें फैसला वापस लेना पड़ा। पीएम पर सिद्धू का हमला, कहा मोदी जी उस दुल्हन की तरह जो रोटी कम बेलती है चूड़ी ज्यादा खनकाती है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मोदी जी उस दुल्हन की तरह है जो रोटी कम बेलती है और चूड़ियां ज्यादा खनकाती है, ताकि मोहल्ले वालों को ये पता चले कि वो काम कर रही है। लद्दाख में सैन्य अधिकारियों पर चुनाव गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप। लद्दाख लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार सज्जाद हुसैना ने आरोप लगाया है कि सेना के अधिकारी जवानों को बैलेट पेपर की आपूर्ति करने के बजाय उनके मतदान की प्राथमिकताओं के बारे में पूछकर चुनाव गोपनीयता का उल्लंघन कर रहे हैं। अखिलेश यादव का दावा, छठे चरण में भाजपा कांग्रेस को यूपी से मिलेगा शून्य। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि छठे चरण के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस शून्य सीट जीतेगी, सातवें चरण में भाजपा केवल एक सीट जीतेगी। बिहार आरा में सीपीआई एमएल के पक्ष में प्रचार कर रहे दो दलित युवकों पर चाकू से हमला। बिहार के आरा में सीपीआई एमएल के पक्ष में प्रचार कर रहे दो दलित युवकों पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। कल देर शाम जिले में सीपीआई एमएल के प्रचार रथ का विरोध करते हुए बदमाशों ने मारपीट की और प्रचार गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सीएम ममता बनर्जी को मीम बनाने पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता गिरफ्तार। भाजपा युवा मोर्चा की कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मीम बनाकर फेसबुक अकाउंट पर शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यूपी में आज पीएम मोदी की दो रैलियां, एमपी में राहुल की तीन सभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश में रॉबर्ट्सगंज और गाजीपुर में विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करेंगे। महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करे चुनाव आयोग, मायावती। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि चुनाव आयोग महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है। पश्चिम बंगाल के दो बूथों पर मतदान शून्य। चुनाव आयोग ने बैरकपुर के अंतर्गत आने वाले पोलिंग बूथ नंबर 116 और आरामबाग लोकसभा सीट के अंतर्गत पोलिंग बूथ नंबर 110 में हुए मतदान को शून्य घोषित कर दिया है। यहां 12 मई को दोबारा मतदान होंगे। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।